वो अक्सर अपनी पत्नी बलदेई से भी दिल की बात कहते थे कि राजेश्वर को बड़ा अफसर बनाना है। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। ये लीजिए। जी आप किस सोच में पड़े हैं जी? सोच रहा हूं अपने राजेश्वर को खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना है। आप ठीक कह रहे हो जी, मेरी आंखें तो वो दिन देखने के लिए तरस रही हैं कि जब हमारा राजेश्वर खूब पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। अरे भगवान, मेरे दिल से पूछ के देख, मेरी आंख में तो बस एक ही सपना बस रहा है कि मैं अपने राजेश्वर को अफसर की वर्दी में देखूं और गले से लगा लूं। भगवान हमारी जरूर सुनेगा जी, आपके सारे सपने पूरे होंगे जी, ये मेरा दिल पक्के गवाही दे रहा है। आपकी बातों ने तो राजेश्वर पर ऐसा जादू कर दिया है कि वो खेल में कम पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाने लगा है जी। अच्छा ये तो अच्छी बात है भाई। अब मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ईश्वर, मेरे राजेश्वर को फौज में बड़ा अफसर जरूर बनाना, जरूर बनाना। बड़ा प्यार हो रहा है माँ बेटे में है? ये हमारा बेटा है ही इतना अच्छा। गोधू की माँ इसकी कद काठी कह रही है कि ये लंबा चौड़ा होगा और फौज में अफसर बनेगा। बिल्कुल बनेगा जी। दूध वूध पीता है कि नहीं? पीता नहीं, इसको जबरदस्ती पिलाना पड़ता है। नहीं बेटा, दिन में दो बार कम से कम दूध पीना है। अब आप नजर मत लगा देना मेरे लाल को। अरे मेरा बेटा है, उसको नजर क्यों लगाऊंगा मैं। पिता की बातों का मासूम राजेश्वर के दिल पर गहरा असर हुआ। उसे बस एक ही धुन सवार रहती थी, पढ़ लिख कर फौजी अफसर बनना है। लेकिन एक दिन उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। जयदयाल मासूम राजेश्वर प्रसाद समेत पूरे परिवार को अकेला छोड़कर चल बसे। उसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी राजेश्वर प्रसाद के कंधों पर आ गई। पिता के जीवित रहते जिन आंखों में अफसर बनने के सपने पल रहे थे, अब घर परिवार की रोजी रोटी की फिक्र ने सपनों से उनकी जगह छीन ली। जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष था। घर में विवाह योग्य दो बहनें थी, छोटा भाई था। पायलट साहब ने बचपन में अपने पिताजी को खो दिया और उसके बाद पांचवी क्लास में या चौथी क्लास में पायलट साहब पढ़ रहे थे, उस वक्त की ये बात है। उनके चचेरे भाई ने उनको कहा कि अब यहाँ पे तुम किसकी देखरेख में पढ़ोगे, आप मेरे साथ, चूँकि मैं दिल्ली रहता हूँ तो मेरे साथ चलिए और वहाँ पे आप पढ़ाई कीजिए। मैं नहीं जाऊँगा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। बेटा मेरी बात मान, तू नत्थी भाई के साथ दिल्ली चला जा। नहीं माँ, मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊँगा। बेटे तुझे जाना ही होगा, हम पर बखत ही ऐसा आन पड़ा है। तुझे ही तो घर संभालना है और फिर अपनी बहनों की शादी भी करनी है बेटा। माँ तू जो बोलेगी मैं वो करूँगा, पर तू मुझे घर से दूर मत भेज, मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊँगा। मेरे बेटे तुझे दिल्ली जाकर अपने बापू के सपने पूरे करने हैं, बड़ा अफसर बनना है, छोटे भाई को भी तो पढ़ाना है बेटा। जा बेटा जा, भाई का काम में हाथ भी बटाना और जी लगा कर पढ़ाई भी करना। जा मेरा बेटा, मेरा बच्चा। चल राजेश। बालक राजेश्वर प्रसाद को अपने भविष्य के सामने दूर दूर तक अंधेरा नजर आ रहा था। उस अंधेरे में उजाले की किरण केवल चचेरे भाई नत्थी सिंह थे। वो दिल्ली में दूध की डेयरी चलाते थे।
उन्होंने लड़कियों को और राजेश की माँ को गांव की खेती का काम देखने को कहा और राजेश को दिल्ली ले आए। बड़े भाई नत्थी सिंह ने दिल्ली के बिड़ला मंदिर के नजदीक एमबी हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और अब पढ़ाई के साथ राजेश सुबह शाम नत्थी सिंह के काम में हाथ बटाने लगा। सुबह 4 बजे शुरू होने वाला काम पूरा होता था दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में बनी बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर। कोठियां यानी लुटियन दिल्ली में बने सरकारी बंगले जहां देश के बड़े नेता मंत्री और अफसर रहते थे। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी पढ़ाई के लिए राजेश्वर की लगन कम नहीं हुई। एक दिन स्कूल में विद्यार्थियों के लिए अध्यापकों ने कहा कि आप लोग खेल कूद प्रतियोगिता में जिन जिन ने भाग लेना है वो इधर आ जाएं। राजेश जी ने भी अपना हाथ उठा दिया और वो भी शामिल हो गए जहाँ अपने खेलने के लिए जो अपना मन रखते थे। अध्यापक ने उनमें से बहुत से बच्चों को चुनने के बाद कुछ बच्चों को रख लिया। अगला दिन हुआ पायलट साहब भी आ गए और विद्यार्थियों के साथ और दौड़ने के लिए जैसे ही लाइन में खड़े हुए तो अध्यापक ने कहा कि आप इधर बाहर आइए, आप नहीं दौड़ सकते। हाँ तो बच्चों, आज की दौड़ बेहद महत्वपूर्ण है। दौड़ में कामयाब होने वाले छात्रों को गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने के लिए चुना जाएगा, समझे? जी मास्टर जी। राजेश्वर, तुम्हारी पीटी ड्रेस कहाँ है? क्या तुम ये नहीं जानते जिन छात्रों के पास पीटी ड्रेस नहीं है वो दौड़ में हिस्सा नहीं ले सकते? सर, मेरे पास पीटी ड्रेस नहीं है। सर, मुझे ऐसे ही दौड़ने दीजिए, मैं गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेना चाहता हूँ। अगर मैं इसी ड्रेस में फर्स्ट आ गया तो मुझे सर सेलेक्ट कर लेना सर, प्लीज़। जिस वक्त ये वार्तालाप चल रहा था ठीक उसी वक्त प्रिंसिपल साहब पूरी बातचीत सुन रहे थे। ठीक है, तुम भी दौड़ सकते हो। हाँ तो बच्चों, आप सब दौड़ के लिए तैयार है ना? जी मास्टर जी। 1, 2 ये एक वाक्य ऐसा दयनीय लगता है, लेकिन इस दयनीयता को ख़त्म किया जा सकता है अपने दृढ़ विश्वास से, अपने साहस से, अपने हौसले से और अपनी सूझबूझ से। और यहाँ एक बात और निकल के आती है कि कोई भी काम इस दुनिया के अंदर अगर कोई करना चाहे तो मुश्किल नहीं है। शाबाश राजेश्वर, शाबाश। इस जीत के लिए तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। उस वक्त तो वो चुपचाप वहां से चले आए।